दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि मटकियाँ मैंने लगा दी थी, आपके सामने लगाई थी, वीडियो बनाया था मटकियाँ लगाने का, और अब हर चीज़ आपके सामने रहेगी। फिशर की मटकियाँ तो पहली बार ही लगाई हैं, यूँ समझिए कि फिशर की पहली कॉलोनी ब्रीडिंग है ये। और इससे पहले फिशर थे तो कॉलोनी में, गर्मियों से पहले के छोड़ रखे थे, लेकिन मटकियाँ लगाई हैं पहली बार, और ब्रीड पहली बार होगी अगर फिशर ब्रीड करते हैं तो इंशाल्लाह ब्रीड करने की उम्मीद है, और मटकियाँ लगा रखी हैं फिशर की। और अब चलते हैं बजीज़ की कॉलोनी की तरफ। तो देखिए दोस्तों, बजीज़ की मटकियाँ बाद में लगाई थी मैंने, और शायद 28 तारीख को लगाई थी, 28 जून को लगाई थी। और अब बजरी तोतों की मटकियाँ देखिए आप, यानी कि पूरी मटकियाँ एक ही दिन में लगा दी थी मैंने, 2 घंटे लगे होंगे मुझे लगाने में मटकियाँ। और देखिए अब तकरीबन मुझे लगता है कि सभी ने मटकियाँ सिलेक्ट कर ली हैं, क्योंकि अभी तक का टाइम मटकियाँ सिलेक्ट करने में ही गुजर रहा था। मैंने एक आध बार बीच में देखा भी कि अंडे दे दिए होंगे, लेकिन बजरी तोते इतनी आसानी से अंडे इतनी जल्दी भी नहीं देते, हालांकि ब्रीड बहुत अच्छी करते हैं सबको मालूम है, लेकिन ये भी नहीं है कि आपने इधर मटकी लगाई और इधर अंडे दे दिए। अब देखिए दोस्तों, करीब से देखिए आप, इसमें आधी आधी जो मादाएं बाहर निकली हुई हैं मटकियों में से, ये सब इन्होंने मटकियाँ चुन ली हैं, सिलेक्ट कर ली हैं, और कहीं कहीं नर भी बैठे हुए हैं उनके पास। तो इस तरह से मटकियाँ सिलेक्ट कर ली हैं, बस अंडे देने ही वाली हैं। यूँ समझिए कि 10-15 दिन के अंदर काफ़ी मटकियों में अंडे आ जाएंगे। और आज मैंने एक कॉलोनी में घुस के देखा था, एक अंडा तो मुझे दिखा था दोस्तों, और देखते हैं अगर किसी में अंडा हो तो दिखाता हूँ मैं आपको मटकियों को, फिर से देखते हैं जाके। मैंने दूर से ही देखा था तो मुझे लगा था कि एक अंडा है एक मटकी में, और अंदर चलते हैं कॉलोनी में, और बर्ड्स को भी आप करीब से देखिएगा दोस्तों, और मैं अंडा भी दिखाऊंगा आपको। अब ये गेट खोला हमने और चलते हैं कॉलोनी में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों मैं इसमें से निकल आता हूँ, ये जो दरवाज़ा है, और बस इस तरह से मैं निकल आया हूँ। अब दोस्तों कॉलोनी के अंदर आ गए हैं हम, और देखिए अब बर्ड्स के साथ हूँ मैं अपनी, और अब आपको बर्ड्स भी दिखेंगे करीब से। तो देखिए ये, और इस मटकी में देखिए, इसमें तो नर मादा दोनों बैठे हुए हैं, ये दिख रहा होंगे आपको कि नर मादा दोनों बैठे हुए हैं दोस्तों, ये देखिए। नर मादा नहीं बल्कि दो मादाएं दिख रही हैं इसमें। होता क्या है कि कभी कभी एक मटकी में दो मादाएं बैठने लगती हैं, और दोनों मादाएं अंडे भी दे देती हैं और बच्चे भी पालती हैं उसमें, और ऐसे में दोनों मादाओं का नर एक भी हो सकता है और अलग अलग नर भी हो सकते हैं, बाकी बच्चों को पाल लेती हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और देखिए दोस्तों, मटकियाँ खाली हैं अभी, और देखिए दोस्तों ये सब तोते बैठे हुए हैं इधर उधर, और अब इनको आदत हो गई है, काफ़ी पुरानी आदत हो गई है, कॉलोनी में मैं घुसता रहता हूँ, और मैं दिखाता हूँ आपको अंडा। तो देखिए इसमें है अंडा दोस्तों, ये देखिए दिख रहा होगा दोस्तों आपको, इसने मादा ने अंडा एक दे दिया है। तो इस तरह से ये शुरुआत है, माशाल्लाह शुरुआत हो गई है कॉलोनी में अंडों की, और ज़्यादा मटकी मैंने देखी नहीं थी, मुझे लग रहा है अभी दिए नहीं है, बाकी एक अंडा शायद इसी का ही है। बाकी देखिए अभी भी मटकियों पे काफ़ी जमा है बजरी तोते, शायद अभी पूरी तरह से नहीं भी अगर सिलेक्ट करी होंगी तो कुछ दिन में कर लेंगे, और लड़ाई झगड़ा भी आपके कोई ऐसा हुआ नहीं कि मुझे किसी को अलग करना पड़ा हो या देखना पड़ा हो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए आप,
बाकी ये थी कॉलोनी की अपडेट दोस्तों, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो, जिन भाइयों ने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाए करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।